हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोपीडिया। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सिक्स सेमेस्टर जो कि बीएससी के है, उसके अंदर हमने क्या कुछ अपने यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, कौन से बुक से आप अपना सिलेबस जो है करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कम्स टू लीनियर एल्जेब्रा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आप आगे जाकर सीएसआईआर नेट की तैयारी करें या फिर गेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि हमारे पास बीएससी एमएससी या मैथमेटिक्स हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, लीनियर एल्जेब्रा का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है और जीवन से बहुत अच्छी बुक है बेस तैयार करने के लिए अपना, कोई भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हो तो उसके लिए। ठीक है, तो लीनियर एल्जेब्रा का ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अपलोडेड है, 10 चैप्टर भी अपलोडेड है, तो वो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट कीजिएगा फ्रॉम द विक्टर स्पेसेस। प्लेलिस्ट आपको सबकी मिल जाएगी, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके के हैं कि आप सिर्फ प्रूफ्स नहीं करते, सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी एक पूरी प्लेलिस्ट है, पहले आप उसको बुक के अंदर मार्क कर सकते हैं, देन उसके बाद आप अपनी स्टडीज़ को फर्दर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कीजिएगा, सबसे पहले आप अपना लीनियर एल्जेब्रा स्टार्ट करना, अगर दो बुक स्टार्ट करनी है तो साथ में आप अपना रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो। रियल एंड कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट चैप्टर उठा के देखेंगे, बहुत इजी चैप्टर है जैकोबियंस का, खुद से ही आपसे हो जाएगा, जस्ट उसके अंदर डिटर्मिनेंट निकालना है, जे की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद कम्स टू द सेकेंड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर मेरे चैनल पर पूरा अपलोडेड है। थर्ड चैप्टर क्योंकि सिलेक्शन में हम करते नहीं हैं, सिलेक्शन वीडियो एवरी बुक की ऑलरेडी अपलोडेड है, चाहे वो डायनेमिक्स हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, जो भी आपके सिक्स सेमेस्टर के अंदर आने हैं, क्योंकि कुछ कॉलेजेस के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है और कुछ के अंदर डायनेमिक्स, तो दोनों के लिए सब अपलोडेड है। जस्ट आपको सर्च करना है डायनेमिक्स वीडियो मैथोपीडिया या फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस वीडियो मैथोपीडिया, सब आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। जस्ट टाइप तो आपको खुद ही करना है, वो आपके लिए कोई और करने नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स करना, चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करना, देन कम्स टू द चैप्टर टू, देन उसके बाद आप फोर्थ चैप्टर करना। फोर्थ चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिस अकेले चैप्टर से आपका पूरा सिलेक्शन बन जाता है, 3 एक्सरसाइज है उसके अंदर, 3 एक्सरसाइज के अंदर से आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कवर होगा, इवन 4.1 और 2 से आपका पहला ऊपर वाला क्वेश्चन कवर हो जाता है, डेट इज ए और बी दोनों पार्ट, और सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज से नीचे वाले दोनों। स्टिल अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, बहुत टाइम है, पूरा चैप्टर कर लेना, 3 ही एक्सरसाइज है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया लीनियर एल्जेब्रा फर्दर अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे रियल एंड कॉम्प्लेक्स में से चैप्टर नंबर 5 और 6 अगर आप कहीं भी तैयारी करने आगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से करना, वो बेस है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। अगर आप एमएससी करते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट भी आएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वो इसी का ही कॉन्टिन्यूड पार्ट है, तो इन चैप्टर्स को अच्छे से करना है। ठीक है, अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर जैसे करके आए हैं उसके अंदर ग्रुप्स एंड रिंग्स रियल एनालिसिस काफ़ी मुश्किल था, इस ये जो सेमेस्टर है ये सेमेस्टर आपका काफ़ी ईजी और स्मूथ रहेगा, इसके अंदर लीनियर एल्जेब्रा भी आसान है और रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आसान है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जो भी आपको डाउट हो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, स्टिल आपको कोई लिंक ना मिले तो कमेंट्स के अंदर आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट, अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स क्लास ग्रुप्स के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए, पूरे पूरे चैप्टर एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोडेड हैं, जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स नहीं है वो मे भी ना अपलोडेड हो, बट एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट वीडियोज इंपॉर्टेंट थ्योरम्स सब अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।